हमारे साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब मौजूद हैं. थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, फिर इंटरव्यूज़ हुए, अब एक पार्टी के अंदर सीधी नमूदार आपके अपेयरेंस है इनसाइड द पार्टी ऑफिस. अब नेक्स्ट शेख रशीद साहब के लिए क्या एक्सपेक्ट करें आप? मैं एक्सपेक्ट तो फ्रेंकली कुछ भी नहीं कर रहा. मैं मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो इस बुरी हद तक बैठ चुका है, सियासत का चेहरा मस्क हो चुका है. पॉलिटिकल लीडर्स, साबका पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स लापता हो जाते हैं और फिर अचानक मंजर आम पर आते हैं और आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिया घर सुधार जाते हैं. तो ये सारी जो सूरत हाल है इसमें अदलिया और खुसूसन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो खामोशी है वो एक नहायत परेशान कुन है कि जिस तरीके से सियासत का चेहरा मस्त हो गया है पाकिस्तान में. एक हर शख्स को आज़ादी है कि वो किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन करे, किसी भी सियासी जमात के साथ अपना तल्लुक रखे. नज़र तो नहीं आ रहा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं. हम सब के इल्म में मसलहत के तहत टीवी टॉक शोज के ऊपर बैठ के गुफ्तगू ना करें, लेकिन बैकग्राउंड में तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है. अगर ये पाकिस्तान के मसाइल का हल है कि जिसके अंदर आप लोगों से उनकी पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी वाबस्तगियाँ तब्दील कराएं इस तरह, तो फिर सियासत क्या रह जाएगी इस मुल्क में? सियासत रह क्या गई है और सियासत करने का मकसद क्या रह जाएगा? यही सारा कुछ चलता आ रहा है पाकिस्तान में पिछले 76 सालों से. हमने रातों रात मुस्लिम लीग काफ बनते हुए देखी, हमने पैट्रियाट बनते हुए देखी, और जमातों का जहूर हुआ, अभी इस्तेहकाम का जहूर हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में खटक साहब मौजूद हैं. तो ऑल ऑफ दिस इट्स लीडिंग, इट हैजंट लेड पाकिस्तान एनीवेयर बिफोर. और अभी भी पाकिस्तान को ये कहीं किसी अच्छी सिम्त में तो ये चीजें नहीं लेके जा रही, पाकिस्तान की सियासत को किसी अच्छी सिम्त में नहीं लेके जा रही. मियां साहब की वतन वापसी हो रही है और वो वतन वापसी भी अब कहा जा रहा है कि एक डील के तहत हो रही है, वो भी बैसाखियां लेकर आ रहे हैं. तो ये क्या सियासत है? ये इस सियासत का क्या नतीजा निकलेगा? आज तक तो कुछ नहीं निकला, आगे कैसे मुख्तलिफ होगा? मियां साहब की वापसी में अभी डिटेल में बात करते हैं. ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है कि बैसाखियां लेकर आ रहे हैं और ये बात कही जा रही है खुल के. पीपल्स पार्टी ने तो बहुत ओपनली ये बात की. वी विल डिस्कस दिस, लेकिन अभी क्योंकि आप पंजाब की सियासत को समझते हैं, यू वर आल्सो वर्किंग अपनी एक जमात बनाने के लिए, तो आपने पब्लिक मूड भी गेज किया होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी देखा होगा. जो हम देख रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, चले हम कह लेते हैं जोक दर जोक ज्वाइन कर लेते हैं, या फर्स्ट चॉइस वो बन रही है, जब आप पब्लिक सेंटिमेंट को देखें या पब्लिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखें, आपको लगता है कि वो इस वक्त लोगों की नेचुरल फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए? पीपल्स पार्टी नहीं बनी, पीएमएलएन तो चले कहती है हमारे पास जगह नहीं है, पीएमएलक्यू या एनी पार्टी कोई भी नहीं थी और चॉइस इन लोगों के पास? देखेंगे, ये फैसला तो अब खुद ही उन्होंने करना है. जब एक पॉलिटिकल पार्टी से राहें जुदा कर लीं तो फिर जिस तरफ जाना है, अब इसके बारे में तो फारूक हबीब साहब और दीगर लोग जो इस्तेहकाम में गए हैं वही बेहतर बता सकते हैं. लेकिन हमें जिस तरीके से इस्तेहकाम सामने आई उसके ऊपर एक बड़ी हैवी प्रो स्टैम्प है. आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में एक जनूबी पंजाब महाज क्रिएट हुआ था और फिर बाद में उसको इमरान खान साहब के साथ शामिल कराया गया. तो जिस तरह के 2018 के इलेक्शन थे, आने वाले 2023 के इलेक्शन भी उसी तरह होंगे, जिसमें ये शायद इस्तेहकाम का कोई रोल हो, शायद परवेज खटक साहब की पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस जो खैबर पख्तूनख्वा में बनी है उसका कोई रोल हो. तो लेकिन द पॉइंट इज के ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इन एक्सपेरिमेंट्स के माजी में तो अच्छे नतीजे नहीं निकले. 2018 का इलेक्शन जिस तरीके से यकजान यकल्प होकर इमरान खान साहब को जिताया गया, उस इलेक्शन के नतीजे में क्या बाकी पार्टियां आराम से घर पे बैठ गईं? उन्होंने इमरान खान साहब को हुकूमत नहीं करने दी. तो जो अब इन इलेक्शंस के नतीजे में हुकूमत बनेगी, तो क्या उसको बाकी पोलिटिकल पार्टीज जो इस खेल से बाहर होंगी, जो समझेंगी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए, तो वो क्या इस हुकूमत को आने वाली को भी चलने देंगी? तो जो पाकिस्तान को जरूरत है वो तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की है. पाकिस्तान को जरूरत है रिफॉर्म्स की, और इस वक्त हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इक्तदार की रसाकशी है, पावर पॉलिटिक्स है, जिसमें रिफॉर्म्स की कोई बात नहीं है. बस
इकतदार का एक, और वो भी एक टुकड़ा हासिल करना है, मुकम्मल इकतदार भी नहीं है, और उसके लिए सियासतदान हलकान हुए जा रहे हैं, चाहे वो मियाँ साहब हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे दीगर और जमातें हो पाकिस्तान में, और इस्तेहकाम भी उसी तरह की एक पैदावार है। मुस्तफा नवाज को कसब, आई होप यू कैन हियर मी। मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, जेल नहीं जाएंगे वो? अब लग ये रहा है कि बुरी जमानत उनकी मंजूर हो जाएगी, हिफाजती जमानत, और फिर जलसा भी करेंगे। हाउ विल दिस चेंज पंजाब का पॉलिटिकल मंजरनामा? देखिए, पंजाब का जो पॉलिटिकल मंजरनामा है उसमें इस चीज़ की, इस हकीकत से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि मुस्लिम लीग नून एक बड़ी प्लेयर है। पिछले कई दहाइयों से, 90 से ऑनवर्ड्स, जब से मुस्लिम लीग नून का 1993 में क़याम हुआ, तो वो एक बड़ी प्लेयर तो रही है पंजाब की सियासत में। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं, जो पिछले 16 महीने की हुकूमत गुजरी है उसकी जो परफॉर्मेंस रही, मुस्लिम लीग नून के बारे में हमेशा तस्वुर किया जाता था कि ये कदरे बेहतर गवर्नेंस करते हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के मुकाबले में, तो वो रही सही साख जो थी वो भी चली गई। फिर उसके बाद वोट को इज्जत दो का बयानिया था, माशाल्लाह शहबाज साहब ने उसको अपने मंतकी अंजाम तक इस ऐसे पहुंचाया है कि अब वो भी इनके पास नहीं रहा। तो यही दो चीजें तो मुस्लिम लीग नून की सियासत को उसके ऊपर कायम थी। अब इन दो चीजों की गैर मौजूदगी में मैं नहीं समझता कि उनको पंजाब में एक बहुत बड़ा रिस्पांस मिलेगा इस वक्त। फ्रैंकली एडमिट करना पड़ेगा कि ये जो महंगाई है, जो 16 महीने की हुकूमत रही, फिर एक बहुत बड़ा काउंटर कल्चर पूरा तैयार हो गया है विक्टिमाइजेशन का, तो उसकी वजह से तहरीक इंसाफ को मकबूलियत तो हासिल है, और असल जो क्राइसिस मेरी नज़र में इस वक्त है वो एक क्रेडिबल ऑपोजिशन टू पीटीआई, वो एक असल क्राइसिस है। और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो बाकी सियासी चेहरे हैं, वो इस वक्त अवाम के लिए काबिले कबूल नहीं रहे मेरे ख्याल में, और अगर हैं भी तो एक बहुत महदूद तबके के लिए। तो ये सूरत हाल है, और इसमें अगर इलेक्शंस होते हैं, उम्मीद है कि हो जाएंगे, और फिर उन इलेक्शंस के अंदर अगर ये बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक अरेंजमेंट के तहत हिस्सा लेती हैं, तो मैं तो जैसे पहले कह रहा था कि इस सियासत के कोई अच्छे नताइज मुल्क के लिए नहीं निकलेंगे। हमें इस तरह की सियासत से बाज रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। हमारे बड़े तल्ख तजर्बे इस मुल्क के अंदर गुजरे हैं, और आने वाले इलेक्शंस अगर फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो फिर ये सारी जो एक्सरसाइज है, एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, मुल्क को मजीद बुहरान की तरफ धकेलने की एक्सरसाइज है। इससे पहले कि हम इस ऐसी नौबत पे पहुंचे, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अवाम को करना चाहिए कि वो किसको अपना हुक्मरान देखना चाहते हैं और किसको नहीं। इसमें हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, पहले भी अच्छे नतायज सामने नहीं आए और अभी दोबारा भी नहीं आए। बट वॉट डू यू थिंक मुस्तफ़ा, नोइंग मियाँ नवाज शरीफ, डू यू थिंक फूलों का गुलदस्ता लाना, उनसे एक्सपेक्ट करना जायज़ एक्सपेक्टेशन है, इज़ इट अ बिट टू मच? देखिए, अंदिया तो उन्होंने इससे पहले दिया, और जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, जनरल बाजवा, जनरल फैज, सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान थे, खोसा साहब, साकिब निसार, उनके एहतसाब का, एक सिटिंग जज के एहतसाब का, जिन्होंने आगे चल के अगले साल चीफ जस्टिस भी बनना है, एजाज उल अहसन साहब, तो ये एक टोन तो उन्होंने अपनी सेट की। वो फौरन ही फिर यहाँ से उनके भाई को जाना पड़ा और जाकर उस बयानिए को तब्दील करने की कोशिश करनी पड़ी। उसके बाद से मियाँ साहब ने तो अभी तक मीडिया पर आकर कोई बात नहीं की, लेकिन उनके बिहाफ पे इसहाक डार साहब आए, वहां पर खड़े हुए उनके लंदन में फ्लैट के सामने, और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ये मामला अल्लाह पे छोड़ते हैं। अभी मियाँ साहब ने क्या गुफ्तगू करनी है? मीनारे पाकिस्तान में जिस वक्त वो अपने पार्टी वर्कर्स से खिताब कर रहे होंगे, उस वक्त उनके ऊपर क्या कैफियत तारी होती है? क्या वो जोश में फिर दोबारा वही बात करेंगे जो बात उनके जहन में, क्योंकि अभी तक खुद से तो उन्होंने डिनाई नहीं की। तो वो अगर इस बयानिए को उनको, और उनको ये उनकी पार्टी के कुछ लोग ये एडवाइस भी कर रहे हैं कि ये, क्योंकि हमारे पास कोई बयानिया मौजूद नहीं है, तो उस सूरत हाल में आपकी ये गुफ्तगू, आपका ये एक बयानिया बन सकता है, तो शायद मियाँ साहब वो गुफ्तगू दोबारा करें। लेकिन मैं नहीं समझता कि जितनी पोलराइजेशन हो चुकी है, अगर मियाँ साहब वाकई रिकनसिलिएशन की तरफ बढ़ें, तो इस वक्त पाकिस्तान के एक वो बड़े सियासतदान है, एक अच्छा अमल होगा उनकी जानब से। लेकिन जो माजी में उनकी पार्टी की गुफ्तगू रही है, उनकी गुफ्तगू रही है, वो हमेशा पसे पर्दा तो हम यही सुनते रहे कि वो यही कहते कहते रहे कि वही माहौल क्रिएट किया जाए।
इमरान खान जेल में हो तो मैं इलेक्शन लड़ूं, जिस तरह मैं जेल में था तो इमरान खान साहब इलेक्शन लड़े। तो अब वल्ला आलम, एक स्टेट्समैन का अगर रोल प्ले करते हैं तो इट विल बी वेलकम, इट विल बी गुड फॉर पाकिस्तान, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग। राइट। एंड आपकी जमात पे कहाँ तक पहुंचा मामला, आपकी सियासी जमात का? अभी उसके अंदर शायद खाकान अब्बासी साहब ने फैसला करना है। मैं तो पहले दिन से बड़ा क्लियर था कि मैंने आने वाला जो इलेक्शन है वो आजाद कंटेस्ट करना है, और इफ दिस हैपेंस, दिस कम्स अबाउट, तो वेल एंड गुड। और अगर शाहिद साहब ये समझते हैं कि ये एक तजवीज़ भी है कि इलेक्शंस के बाद किया जाए, टाइम बहुत कम है एक पार्टी बनाने के लिए इस वक्त, लेकिन ये राय मेरे समेत और भी लोगों की है कि ये बहुत आइडियल टाइम है। पाकिस्तान की तमाम जो इस वक्त सियासी जमातें हैं सब इकतदार की कश्मकश में लगी हुई हैं, और रिफॉर्म्स की कोई गुफ्तगू नहीं है, लोगों के मसाइल हल करने की कोई गुफ्तगू नहीं है। आप मंशूर की कोई बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ अगर बात सुनेंगे तो सियासी मुखालफीन पर हमला सुनेंगे, अपना अपना रोना धोना सुनेंगे। तो अवाम भी काफी हद तक इस चीज से बेजार आ चुके हैं, और पाकिस्तान के मसाइल को आखिरकार हल भी किसी ने करना है, तो एक गुंजाइश, एक वैक्यूम मौजूद है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि नहीं, इलेक्शंस बहुत करीब है और इलेक्शंस के बाद ये फैसला होना चाहिए, तो बाहर तौर जो भी होता है, लेट्स सी क्या बनता है।